देहरादून में जहां सरकारी अस्पतालों में तैनात विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दिन भर कार्य बहिष्कार रखा, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गईं, तो वहीं तीमारदारों और मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से अस्पताल पहुंचे मरीज बेरंग ही वापस लौट गए। वहीं कोरोनेशन अस्पताल के CMS डॉक्टर LC पुनेठा का कहना है कि अस्पताल के 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार रखा, जिसकी वजह से करीब 60 मरीजों का अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन और अन्य तरह की जांच नहीं हो पाई, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि राज्य के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है, जिसकी वजह से कई मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञ डॉक्टर MCI द्वारा डिप्लोमा अमान्य किए जाने से नाराज हैं। डॉक्टरों की मांग है कि सरकार अब इस मामले में हस्तक्षेप करे और स्टेट मेडिकल काउंसिल पर दबाव बनाए और डॉक्टरों के डिप्लोमा को वैध मान लिया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस संदर्भ में कोई भी कदम नहीं उठाया है, जिससे डॉक्टरों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। हाँ, हमारे यहाँ 3 डॉक्टर इसमें हैं जो ये डिप्लोमा करके आए हैं UP से, जिनका रिकग्नाइज नहीं हो रखा है डिप्लोमा, और जो MCI की लिस्ट में जो उनका नाम है। और आज हमारे यहाँ करीब 60 मरीज हमारे जो है, जिनके अल्ट्रासाउंड होने थे, माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट बहनें हैं, उनको काफी आपत्तियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ अमित रतुड़ी की रिपोर्ट।